मुख्यमंत्री के पद पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिन अब पूरे हो गए हैं। अमरिंदर सिंह को विधायक दल की बैठक के बाद इस्तीफा देने को कहा जा सकता है। इसी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की सियासी लड़ाई का फैसला भी आ जाएगा, जिसमें बाजी सिद्धू के हाथ लगेगी। मतलब ये कि पंजाब कांग्रेस में कैप्टन युग का अंत हो गया। कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटाने की पूरी कहानी दिल्ली में लिखी गई और उसी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को शामिल होने को कहा गया। सियासी गलियारों में इसे कैप्टन की अग्नि परीक्षा कहा जा रहा है। कांग्रेस के 40 विधायकों ने हाईकमान को चिट्ठी लिखी थी। बाहर से लग रहा था कि कैप्टन और क्रिकेटर रहे सिद्धू के बीच जारी विवाद की आग बुझ गई है, लेकिन अंदर ही अंदर यह आग सुलग रही थी। हरीश रावत ने ट्वीट किए और कहा कि कांग्रेस आलाकमान को कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में विधायकों के पत्र मिले हैं, जिसमें पंजाब विधायक दल की तुरंत बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है। आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस को इस बैठक को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया। इस बैठक के बाद तय हो जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव तक पंजाब के सीएम बने रहेंगे या कोई नाइट वॉचमैन आएगा। हरीश रावत के साथ पार्टी दो ऑब्जर्वर भी चंडीगढ़ भेजेगी। सिद्धू का अध्यक्ष बनने के बाद सियासी पैंतरा यही था कि नाराज विधायकों की मीटिंग बुलाने का दबाव बनाएंगे और अगर बैठक में कैप्टन का विरोध हुआ तो नेतृत्व परिवर्तन पर राय शुमारी का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू से माफी मांगने वाली जिद छोड़ दी और सिद्धू के कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में पहुंच गए। डिनर डिप्लोमेसी के जरिए कैप्टन ने राज्यसभा सांसद प्रताप बाजवा जैसे अपने विरोधियों के लिए भी हवा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन गलती कैप्टन से ये हुई कि जो चार कैबिनेट मंत्री बगावत पर उतरे उनको मनाने के बजाय कैप्टन ने उनको ही हल्के में ले लिया। कैप्टन से नाराज धड़ा देहरादून में हरीश रावत से मिलने के बाद भी शांत नहीं हुआ। पिछले हफ्ते इन्हीं मंत्रियों से सलाह कर कई विधायकों ने विधायक दल की मीटिंग बुलाने के लिए हाईकमान को लिखना शुरू कर दिया। विधायक सुरजीत धीमान ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस 2022 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ी तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। कई विधायकों को लगता है कि कैप्टन सरकार 2017 में जनता से किए सैकड़ों वायदे पूरे नहीं कर पाई, इसलिए लोग नाराज हैं और कांग्रेस की हालत पतली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव से ठीक पहले कैप्टन को साइडलाइन करने से एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी? सवाल यह है कि क्या सिद्धू इस दांव से दोबारा कांग्रेस को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा पाएंगे? क्या नाइट वॉचमैन बनकर सिद्धू विनिंग पारी खेल पाएंगे? रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा की अब अकल तो ठिकाने लग गई, जब बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत ने उन्हें खरी खोटी सुनाई। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की सियासत के राखी सावंत बताने वाले राघव चड्ढा पर राखी सावंत भड़क गई। उन्होंने राघव चड्ढा को चेतावनी देते हुए कहा कि मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा चड्ढा उतार दूंगी। राखी सावंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब राखी सावंत को मीडिया कर्मियों से पता चला कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने नवजोत सिंह सिद्धू को पॉलिटिक्स का राखी सावंत कहा, तो इस पर काफी भड़क गई। राखी सावंत के साथ एक शख्स भी इस दौरान नजर आए जिसने कहा कि मैं राखी का भाई हूँ, राखी सावंत एक ही है, इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं। इसके अलावा राखी ने राघव चड्ढा को आड़े हाथ लेते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, मेरे पति ने राघव चड्ढा को जवाब दिया है, मुझे अभी तक अकेले जानकर लोग सताते थे, आज ये कहते हुए मेरी आंखों में आंसू हैं कि आज मेरा भी कोई है जो मेरे मान सम्मान की रक्षा के लिए खड़ा है, धन्यवाद मेरे प्यारे पति। राखी कह रही हैं कि उन्होंने राघव चड्ढा और केजरीवाल को टैग करते हुए ट्वीट किया कि अपनी राजनीति के लिए किसी को व्यक्तिगत रूप से निशाना मत बनाएं। अरविंद केजरीवाल, अपने विधायक को एजुकेट कीजिए, अगर मैंने इसे एजुकेट किया तो आप कहीं भी नजर नहीं आएंगे। राघव चड्ढा ने शुक्रवार 17 सितंबर को नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की पॉलिटिक्स का राखी सावंत करार दिया था। चड्ढा ने ट्वीट किया और कहा कि सिद्धू बेतुके बयान देने की बीमारी से पीड़ित हैं, इसीलिए आदत से मजबूर होकर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू की कही कोई भी बात गंभीर नहीं होती और हर जगह वह हंसी के पात्र ही बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी से ममता बनर्जी की सियासी दुश्मनी है, इसीलिए चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल में हर कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और बंगाल की पुलिस तमाशा देखती रही। ममता बनर्जी के इशारे पर काम करने वाली बंगाल पहल के खिलाफ आक्रोश तो पूरे देश में है, लेकिन खासतौर से यूपी में ज्यादा है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान
सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टीएमसी के नेताओं ने न सिर्फ बदजुबानी की थी बल्कि उनके कार्यक्रमों तक में बाधा उत्पन्न की गई। ऐसे ही सियासी शहमात के बीच बंगाल की पुलिस एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार करने यूपी के अलीगढ़ पहुंची तो उसे लेने के देने पड़ गए। अपनी अकड़ में आए बंगाल पुलिस ने अलीगढ़ में तूटतड़ाक शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर लोगों ने उन्हें कमरे में बंद करके उनकी कुटाई कर दी। असल में बंगाल पुलिस बीजेपी नेता योगेश वार्ष्णेय को गिरफ्तार करने आई थी। योगेश वार्ष्णेय ने ममता बनर्जी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। योगेश वार्ष्णेय ने 4 साल पहले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद यह विवादास्पद बयान दिया था। उसी मामले में बंगाल पुलिस अलीगढ़ पहुंची थी। देर रात तक चले हंगामे के बाद अलीगढ़ पुलिस ने उन्हें बचाया। कोलकाता में वार्ष्णेय के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। 17 सितंबर को BGYM के पूर्व मंडल अध्यक्ष योगेश वार्ष्णेय के घर पश्चिम बंगाल सब इंस्पेक्टर शुभाशीष और सिपाही आलमगीर गिरफ्तारी और कुर्की संबंधी नोटिस लेकर सादे कपड़ों में अलीगढ़ पहुंचे थे। हालांकि इससे पहले भी बंगाल पुलिस योगेश की गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ आ चुकी है। जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चला वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ बंगाल पुलिस टीम की अनबन भी हुई, जिसके बाद उन्होंने बंगाल पुलिस की कमरे में बंद करके जमकर धुनाई की। सांसद सतीश गौतम कोल, विधायक अनिल पराशर और शहर विधायक संजीव राजा मौके पर पहुंचे और बंगाल पुलिस की टीम को वहां से सकुशल थाने पहुंचाया। दोनों पक्षों की तरफ से हंगामा देर रात तक चलता रहा। दोनों ने एक दूसरे पर अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस की मौजूदगी में चौपाल भी हुई, जिसके बाद ममता सरकार की पुलिस की टीम को वहां से सकुशल निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जैसे ही गांधी वाड्रा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा देने को कहा, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ की खुशी का ठिकाना ही न रहा। उन्होंने तुरंत ट्वीट किया और राहुल गांधी को बोल्ड फैसले के लिए बधाई दे डाली। मतलब साफ है, सुनील जाखड़ और राहुल गांधी के बीच खिचड़ी उसी दिन पक गई थी जिस दिन दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। संकेत साफ हैं, कैप्टन की जगह सुनील जाखड़ को पंजाब की कमान दी जा सकती है। इसके पीछे सियासत का वो समीकरण है जिसकी आड़ लेकर कैप्टन सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते थे। वह समीकरण सिख और हिंदू कॉम्बिनेशन का है। जाखड़ के सीएम बनने से हिंदू भी खुश होंगे और कांग्रेस के साथ उठ खड़े होंगे। सिखों का मोर्चा सिद्धू फतह करेंगे, लेकिन पंजाब के नए सीएम या यूं कहिए नाइट वॉचमैन के कई दूसरे दावेदार भी हैं। लेकिन माना जा रहा है कि जाखड़ पंजाब सीएम के तौर पर सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार हैं। सुनील जाखड़ ने शनिवार को ट्वीट किया और कहा कि वाह राहुल गांधी, आपने बेहद उलझी हुई गुत्थी को पंजाबी संस्करण के समाधान का रास्ता निकाला है। आश्चर्यजनक ढंग से नेतृत्व के इस साहसिक फैसले ने न सिर्फ पंजाब कांग्रेस के झंझट को खत्म किया बल्कि इसने कार्यकर्ताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और अकालियों की बुनियाद हिला दी है। पंजाब कांग्रेस के महासचिव परगट सिंह ने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटने के लिए कहा गया है और अंबिका सोनी, सुनील जाखड़ और अन्य के नाम सीएम के लिए संभावित रूप से सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएलपी की बैठक बुलाई गई है, बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब सीएम की दौड़ में अंबिका सोनी का नाम भी सामने आ रहा है। 13 नवंबर 1942 को लाहौर में जन्मी अंबिका सोनी गांधी परिवार की बेहद खास हैं। उन्होंने 1969 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की थी। वह 1976 में पहली बार राज्यसभा सदस्य चुनी गईं। यूपीए सरकार में वह सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रही थीं। कांग्रेस को लगता है कि सिद्धू अगर किसी प्रतिद्वंदी के साथ जुड़ते हैं तो पार्टी को नुकसान पहुंचने की मारक क्षमता रखते हैं, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत मदद न करें। वह अकाली दल में शामिल नहीं हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से उनके लिए एक विकल्प है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए पहले से ही प्रशांत किशोर को काम दिया है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन अमरिंदर सिंह से उनकी खींचतान कम नहीं हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि सिद्धू पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं, उनकी वजह से ही पंजाब में ये विवाद पैदा हुआ। उन्हें सीएम बनाए जाने पर चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राज्यपाल बनवारी पुरोहित को इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कुछ कहा उसके मायने साफ है कि उनके साथ पार्टी ने दगा किया है और जल्द ही वे अपने अगले कदम की जानकारी देंगे। मतलब यह कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस को छोड़कर अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करेंगे।
गांधी वाड्रा के इशारे पर लिखी गई पंजाब की सियासी कहानी में कैप्टन अमरिंदर सिंह के हिस्से सिर्फ अपमान ही लिखा था। उन्हें कभी सिद्धू ने अपमानित किया तो कभी सिद्धू के सलाहकारों ने, लेकिन गांधी वाड्रा लगातार सिद्धू को शाह देते रहे। नतीजा आज साफ हो गया कि गांधी वाड्रा की सियासत आखिर क्या थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर उनकी जगह सिद्धू को स्थापित करने का यह खेल कांग्रेस को काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि कैप्टन ने अपने सभी पत्ते अभी नहीं खोले हैं। कैप्टन राजभवन पहुंचे और वहां पर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि बार बार विधायकों की बैठकें बुलाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आलाकमान को संदेह है कि मैं राज्य की सत्ता नहीं चला पा रहा हूं। इसी वजह से बार बार विधायकों की बैठक बुलाई जाती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 2 महीने में 3 बार अगर आपने विधायक दल की बैठक बुलाई तो मुझे लगा कि मैं सरकार नहीं चला पा रहा हूं। तभी तो बार बार इस मीटिंग को बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य की राजनीति का रास्ता खुला हुआ है। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करूंगा, उनसे सलाह मशवरा करूंगा, उसके बाद आपको आगे के रास्ते भी बताऊंगा। अभी मैं कांग्रेस में हूं और मैंने कांग्रेस में रहते हुए सीएम पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि आज सुबह ही मैंने सोच लिया था कि मैं इस्तीफा दूंगा और मैंने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी बता दिया था कि मैं इस्तीफा दूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी को मुझ पर भरोसा नहीं रहा, अब सोनिया गांधी जिसे चाहे उसे सीएम बनाए। कैप्टन ने कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा था। मेरे सामने बिना मुझको बताए विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, ये एक सीएम का अपमान है। मैं यहाँ ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा हूँ। पंजाब में जारी सियासी घटनाक्रम पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जहाज जब डूबने वाला होता है तो हिचकोले खाने लगता है। उन्होंने अंबाला में कहा कि पंजाब कांग्रेस उसी प्रकार से हिचकोले खा रही है, इसी वजह से इनका आपसी टकराव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गरीबों के मददगार और रहम दिल का तमगा हासिल कर चुके सोनू सूद ने बड़ी बेरहमी से टैक्स की चोरी की। सोनू सूद के ठिकानों पर जब आयकर विभाग ने छापा मारा तब जाकर पता चला कि बकौल संजय रावत महात्मा सोनू सूद से 20 करोड़ के टैक्स की चोरी की है। आयकर विभाग को सोनू सूद के कारनामों का पता लगाने के लिए 28 जगहों पर 3 दिनों तक छापेमारी करनी पड़ी, तब जाकर सोनू सूद का सच सामने आया। जिस सोनू सूद की किसी जमाने में शिवसेना आलोचना करती थी, छापेमारी के बाद उनके साथ खड़ी हो गई। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने तो उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, लिहाजा सोनू सूद की तरफदारी करने का हक तो उनका भी बनता है। आयकर विभाग ने बताया कि अभिनेता सोनू सूद और उनके सहयोगियों ने करीब 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोनू सूद के ठिकानों पर सर्वे के बाद कहा, अभिनेता और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ टैक्स हेराफेरी के कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद हुए हैं। अभिनेता ने फर्जी संस्थानों से फर्जी और असुरक्षित ऋण के माध्यम से बड़ी मात्रा में रुपए जमा किए। सोनू सूद ने विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम का उल्लंघन किया और एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए विदेशी दानदाताओं से 2 से 10 करोड़ रुपए जुटाए। लखनऊ स्थित उनके औद्योगिक ठिकानों पर भी आईटी विभाग ने सर्वे किया, साथ ही मुंबई स्थित उनके ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम समेत कुल 28 परिसरों पर लगातार 3 दिनों तक छापेमारी चली। सोनू सूद से जुड़े लखनऊ स्थित जिस औद्योगिक समूह के ठिकानों पर छापेमारी हुई, वे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कार्यों का ठेका लेते हैं। इन छापेमारियों से सोनू सूद से तार जुड़े होने के सबूत मिले, जिसके बाद उनके घर को भी खंगाला गया। आम आदमी पार्टी और शिवसेना ने भाजपा पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना आपदा के दौरान मजदूरों की अच्छी खासी मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह से दूध में पड़ी मक्खी की तरह सीएम पद से हटाया गया, उसे देखकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के पसीने छूटने लगे हैं। कांग्रेस शासित इन दोनों राज्यों में सीएम के खिलाफ काफी असंतोष है। एक तरफ पीएस सिंहदेव तो दूसरी तरफ सचिन पायलट, जो बघेल और गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन की आहट से छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के हालात भी पंजाब से काफी मिलते जुलते हैं। सीएम पद के लिए 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। करीब 15 दिन पहले इसी को लेकर पार्टी आलाकमान के साथ कई राउंड बैठक भी हुई थी। अपनी कुर्सी को खतरा देख बघेल अपने समर्थक विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच गए थे, तब जाकर उनकी कुर्सी सुरक्षित रह पाई थी। सिंहदेव जिस 2.5 साल के फॉर्मूले के आधार पर सीएम पद पर दावा कर रहे हैं, उसे राहुल की मौजूदगी में ही अंतिम रूप दिया गया था। माना यह जा रहा है कि आलाकमान बघेल के इस रवैये से खुश नहीं था।
कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कोई कड़ा फैसला नहीं ले पा रहा था क्योंकि बघेल के पक्ष में ज्यादा विधायक है। पंजाब में संभावित नेतृत्व परिवर्तन के बाद छत्तीसगढ़ में भी सिंहदेव और उनके समर्थक नए सिरे से इसकी मांग कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो बघेल के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।